अपना फर्ज निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस शहीदों को बाड़मेर पुलिस लाइन में शुक्रवार को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। शहीदों की वीरता की कहानी सुनने पर जवानों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने शहादत को सैल्यूट किया। समारोह में शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे। वहीं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। अपना फर्ज निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस शहीदों को बाड़मेर पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। शहीदों की वीरता की कहानी सुनने पर जवानों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने शहादत को सैल्यूट किया। समारोह में शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे। दरअसल 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सीमा की सुरक्षा में तैनात CRPF के जाबाज सैनिकों ने एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन हमारे जवानों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों का सामना किया और शहीद हो गए। इस हमले में हमारे 10 रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में हर साल पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धा अर्पित कर याद किया गया, साथ ही सलामी दी गई। शहीद स्मारक पर सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों, सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा शहीदों के परिजनों के साथ साथ उपस्थित लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। SP दीपक भार्गव ने फर्ज निर्वहन के दौरान पुलिस शहीद हुए जवानों के नाम का पठन किया। गुलाल जी के परिजन, आपसे निवेदन रहेगा कि आप, मैं जैसाराम जी से आग्रह करूं, पुत्र हैं, इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, CI, थाना अधिकारी, जवानों के परिजन सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम को कई अधिकारियों ने संबोधित करते हुए शहीदों की वीर गाथा सुनाई। कार्यक्रम में शहीदों के परिवारजनों, वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जवानों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। शिविर में 100 से ज्यादा जवानों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करने के लिए प्रशंसनीय पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस, BSF, आर्मी के अधिकारियों के साथ शहीदों के परिवारजन व आमजन उपस्थित